हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की मेरी रेसिपी है घुइया के पत्ते, जो अरबी के पत्ते भी बोलते हैं उनको, उसकी सब्ज़ी और उसके पकौड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे मैंने थोड़ी उड़द की दाल ले ली है, इसको मैंने रात भर भिगोने के लिए रख दिया था। खूब अच्छे से दाल भीग गई है, खूब ही अच्छे से भीग गई है। इसका पानी मैंने निकाल दिया है, इसको हमें पीस लेना है। आप चाहें तो छिलके वाली उड़द की दाल भी ले सकती हैं, उसके छिलकों को खूब अच्छे से निकाल दीजिए, फिर इसको पीस लीजिए। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में दाल को ऐड कर दिया है। मैंने आधी दाल ली है, क्योंकि आधी मैं बाद में पीसूंगी, क्योंकि दाल जार पूरा भर गया था। अब इसमें हम मसालों को ऐड करेंगे। मसालों में हमें चाहिए है सूखी लाल मिर्च, और हमको चाहिए है जीरा और हींग। सूखी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, कम ज़्यादा मिर्च जैसे आप लेते हो। डेढ़ चम्मच हमने यहाँ पे ले लिया है जीरा। मसाले हम इतने डाल रहे हैं कि पूरी दाल के लिए ठीक हो, क्योंकि दाल को बाद में हमें मिक्स कर देना है और फेंट लेना है। और इसमें हम ऐड करेंगे हींग, थोड़ी सी हींग, और सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए, कम ज़्यादा जितना आप लेते हो, क्योंकि अभी हमें ग्रेवी में भी नमक डालना है, इसलिए थोड़ा कम ही नमक चलेगा। नमक डाल देंगे और फिर इसको हम खूब अच्छे से पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, दरदरा पीसना है इसको, और पतला भी नहीं करना है कि पतला ना हो, बस गाढ़ा गाढ़ा इस तरीके से रहे। और खूब अच्छे से इसको फेंट लेना है, ताकि मसाले खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं सारी दाल में। मैंने खूब अच्छे से इसको फेंट लिया है। तो चलिए अब मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले में हमने प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है, और कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं लिए हैं, सिर्फ प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। तो एक कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है गरम करने के लिए। तो कढ़ाई मेरी जब गरम हो जाएगी, तो इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकती हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड ऑयल, और तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना जब पिटकने लगेगा, तब इसमें हम मसालों को ऐड करेंगे। लेकिन गैस हमेशा ऑफ करके, जब आपका तेल गर्म हो जाए, तो मसालों को ऐड कीजिए। यहाँ पे मैंने जैसे ही मसाला डाला, वो बहुत तेज़ से छटका, दो चार छींटे मेरे हाथ पे भी पड़ गई। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा, जब तेल बहुत गर्म हो तो गैस की फ्लेम को हमेशा ऑफ कर दीजिएगा। फिर सारे मसालों को ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। बहुत ही कम मसालों से बनती है ये सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा हमें कम ही डालना है, क्योंकि दाल में भी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, और बच्चे बिल्कुल भी मिर्च नहीं खा पाते हैं। आधा चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद हम लेंगे धनिया पाउडर। बस चार पांच मसालों से, सूखे मसालों से और थोड़े से मसालों के साथ ये सब्ज़ी बन जाती है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही पसंद है, और उन्हीं की डिमांड पे मैं आज ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके अलावा मुझे डालना है यहाँ पे खटाई। जो खटाई होती है, कली वाली खटाई होती है, इसको मैंने भिगो दिया था, खूब अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे खटाई, और फिर से मिक्स कर देंगे और भून लेंगे। मसालों को भून लेना है हमें 2 से 5 मिनट के लिए। खूब अच्छे से ढककर आप मसालों को भून लीजिए, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और इसको हम कवर कर देंगे और 2-4 मिनट के लिए इसी तरीके से भुनने देंगे। तो जब तक मसाले भूनते हैं, तब तक मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है, क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है जिससे मैं स्टीम करूँ पत्तों को, इसलिए मैंने इस तरह का एक भगोना लिया हुआ है। उसके ऊपर हम ये छन्नी रख देंगे, और इसको कवर करके जो भी मुझे उबालना होता है, तो इसी तरीके से हम उबाल लेते हैं। तो चलिए गैस के ऊपर भगोना रख देते हैं, पानी को गर्म होने देते हैं। पानी को गर्म होने देते हैं, इसके ऊपर हम ढक्कन ढक देंगे, पानी जल्दी से गर्म हो जाए। तो तब तक मसालों को चेक कर लेते हैं, मसाले कहीं पकड़ ना लें। इस तरीके से मसाले 2 से 5 मिनट से भून रहे हैं, और तेल हल्का हल्का छोड़ दिया है मसालों ने, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से नहीं भुने हैं, इसमें 2 से 3 मिनट और चाहिए हैं। तो फिर से कवर कर देते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप मसालों को भूनिए, तो मसालों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जब तक मसाले भून रहे हैं, यहाँ पर हम पत्ते बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो जो बड़े डंठल होते हैं, उनको मैंने काट दिया, और जो छोटे होते हैं उसको भी काट दिया है। तो इस तरीके से एक सबसे बड़ा पत्ता मैंने लिया है, और इसके इस पर मैंने दाल को अच्छे से फैला दिया है। इस तरीके से दाल को खूब अच्छे से फैला दीजिए। दाल अगर पतली होगी तो बाहर निकलने लगेगी, इसलिए दाल को पतला नहीं पीसना है, और खूब अच्छे से फैला देना है। फिर इसके ऊपर हमें एक पत्ते का कवर फिर से इस तरीके से कवर कर देना है, इस तरीके से रख देना है। फिर से दाल फैला देनी है। आपकी तरफ क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उस सब्ज़ी को, मुझसे ज़रूर शेयर करना। और इस तरीके से दाल को फैला देते हैं। आप चाहें तो बेसन के भी बनते हैं, लेकिन हम बेसन के नहीं बनाते हैं, मुझे दाल के ज़्यादा पसंद हैं। और आप चाहें तो पत्तों को काट के भी दाल में
तल के पकौड़े की तरह आप सब्जी में डाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा अच्छा लगता है। और इस तरीके से रोल करने के बाद मैंने दबा दिया है, अब ये खुलेगा नहीं। इसी तरीके से बाकी पत्तों को भी हम बना लेंगे। डंठल मैंने सब काट दिए थे और मतलब आप पत्ते अपने हिसाब से लीजिए कितना आपको बनाना है। यहाँ पे मैंने थोड़े से ही पत्ते लिए क्योंकि हमें दो ही तीन लोगों के लिए बनाना है। दो तीन पत्तों को करके फिर मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से दबा दिया है। ये खुलने वाले नहीं है। जो चलनी मैंने ली थी उसमें थोड़ा सा तेल लगा देना है ताकि पत्ते उसमें चिपके ना। खूब अच्छे से तेल लगा दीजिए और इस चलनी को फिर हम जो पानी मेरा बॉयल हो गया है उसके ऊपर रख देना है। पानी मेरा पक गया है, देखिए गर्म हो गया है। इसके ऊपर हम छलनी रख देंगे इस तरीके से और फिर इसमें इसके ऊपर पत्ते रख देंगे। जो पत्ते मैंने भर के रखे हैं उसको रख देंगे और उसको बॉयल होने देंगे। मेरी छलनी छोटी है इसलिए मेरे पास दो ही एक बार में आए हैं। आपके अगर छलनी बड़ी होगी तो कई आ जाएंगे, तीन चार आ जाएंगे, एक साथ बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने दोनों पत्ते रख दिए हैं। अब इसके ऊपर हम प्लेट ढक देंगे ताकि बहुत जल्दी से ये हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, दो से चार मिनट या पाँच मिनट में हो जाएंगे ये। जब तक मसालों को चेक कर लेते हैं। मैंने गैस की फ्लेम को फुल कर रखा है ताकि पानी जल्दी से बॉयल हो, पानी की भाप से जल्दी से पत्ते बन जाए। और मसाले भी मेरे लगभग भुन गए हैं, देखिए खूब अच्छे से भुन गए हैं, अच्छी से स्मेल निकलने लगी है और तेल भी अलग होने लगा है मसालों से। लेकिन अभी थोड़ी सी देर मुझको और भूनना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मसाला हो या कोई भी दाल मैं बनाती हूँ तो हमेशा सिम फ्लेम पे रख देते हैं उसको, हम कवर करके बिल्कुल सिम पे। तो वो धीरे धीरे जब भूनते हैं मसाले तो बहुत ही अच्छा टेस्ट उनका आता है। तेज़ फ्लेम पे कभी भी मसालों को नहीं भूनना चाहिए, वो जल जाते हैं फिर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। और दो से चार मिनट हो गए हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं कि पत्ते हो गए हैं। तो देखिए मेरे पत्ते चिपके भी नहीं हैं और ये हो भी गए हैं। इसमें एक चाकू के हेल्प से हम देखेंगे कि ये हो गए हैं। अगर दाल गिरी गिरी दाल निकलती है तो समझिए नहीं हुए हैं। और मेरी चाकू मेरा बिल्कुल सूखा था, इसका मतलब पत्ते हो गए हैं। एक चिमटे के हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने देंगे। इसी तरीके से बाकी के पत्तों को भी हम बॉयल कर लेंगे। और जब मेरे पत्ते ठंडे हो जाएंगे तब उनके हम पीस करेंगे। देखिए ये उबल के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। इनको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं तब इसके पीस करेंगे। सब के साथ मसाला भी मेरा हो गया है। अब मसाले में मुझे ग्रेवी करना है। आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से आप करो, पतली गाढ़ी जैसी भी आपका मन हो। पतली गाढ़ी जैसी आपको चाहिए है वो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिए और खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और वो कवर करके इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे, पानी खूब अच्छे से पक जाए। पत्ते यहाँ पे ठंडे हो गए हैं मेरे, तो चलिए अब इसके पीस कर लेते हैं। गोल गोल पीस इस तरीके से मुझे काट लेने हैं। खूब अच्छे से ये ठंडे हो गए थे और इस तरह से गोल गोल मुझे काट लेना है इसका। और देखिए ये इस तरीके से कट गए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। आप काट के अगर इसकी सब्जी बनाएंगे तो वो इतनी नहीं अच्छी लगेगी जितना ये अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसके पकौड़े बना लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, रिफाइंड चढ़ा देना है, उसमें पत्तों को ऐड कर देना है और डीप फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बहुत ही क्रिस्पी ये पत्ते बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप चटनी के साथ, केचप के साथ इसको खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जब मेरा पानी गर्म हो गया था तो इसमें मैंने पकौड़ियों को ऐड कर दिया और इसको कवर करके फिर से हम 2 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सब टेस्ट, खूब अच्छा सा टेस्ट सब में मिक्स हो जाए। और ये देखिए मेरे पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं और मैंने केचप के साथ और ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व किया है गरम गरम चाय के साथ। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।